माननीय सदस्यगण, नियम 3 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 3 के अधीन मामलों आज उठाने में अनुमति दिए, उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने पार्ट को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 18, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, श्री अखिलेश यादव जी। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी, ऐसा कहा गया कि 400 पार मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है।
सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में फिफ्थ वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन अध्यक्ष मोदी ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम पांचवें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष मोदी देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे के राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात ना हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे। और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे
और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है, न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान, दो हफ्ते का वचन जो दिया था कहाँ दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वन तो वर्तमान को सुधार सकती है ना भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृतकाल की बात करने वाले, जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला।
अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी